हेलो स्टूडेंट्स, खाद्य सेवा प्रबंधन की लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ेंगे इकाई 4 जो है वित्तीय प्रबंधन। मैं मोनिका द्विवेदी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, वित्तीय प्रबंधन का अर्थ है कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए जो भी पैसा या जो भी मनी आती है उसको किस प्रकार से उसका प्रबंधन किया जाए कि किसी कार्य के लिए वो कम भी न पड़े और कहीं पर उसका दुरुपयोग भी न हो। अतः धन का सही तरीके से और सही दिशा में उपयोग करने के लिए वित्तीय प्रबंधन अति आवश्यक है। अतः वित्तीय प्रबंधन उस तरीके से संदर्भित है, अर्थात वह तरीका है जिसमें व्यवसाय के लिए धन का उपयोग एवं प्रबंधन किया जाता है। कहीं पर निवेश करना हो या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का संचालन हो और उसके स्वभाव के संबंध में निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्तीय प्रबंधन व्यवसाय का वह क्षेत्र है जो एक प्रतिष्ठान के सभी मौद्रिक शर्तों में संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए होता है। इसमें सभी लेन देन के लिए न केवल खातों को शामिल किया जाता है बल्कि किसी भी तरह की जानकारी को रिकॉर्ड करना शामिल होता है जो प्रबंधन, उपकरण, कर्मचारी, क्रय, बिक्री आदि के बारे में निर्णय लेने में मदद करता है। अतः वित्तीय प्रबंधन में दो बुनियादी पहलुओं को शामिल किया गया है, वित्तीय लेखा और प्रबंधन लेखांकन। तो आइए सबसे पहले वित्तीय लेखा के बारे में पढ़ें। वित्तीय लेखा की अगर अवधारणाओं की बात करें तो इसमें कई अवधारणाएं हैं। पहली आती है इकाई की अवधारणा। कोई भी उद्योग है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी खाद्य इकाई है, वह एक इकाई के रूप में उसकी एक पहचान है और उसकी पहचान उसका जो ओनर है या जो मालिक है उससे अलग है। अतः एक खुद में एक इकाई है। उसके बाद आता है वर्तमान चिंता की अवधारणा। इस अवधारणा का अर्थ है कि व्यापार एक सतत इकाई है। इसकी गतिविधि वित्तीय अवधि के अंत में समाप्त नहीं होती। प्रत्येक प्रतिष्ठान द्वारा तैयार किया गया वित्तीय विवरण प्रबंधन को लाभप्रदता और वित्तीय सुदृढ़ता के मामले में पिछले प्रदर्शन की समीक्षा करने में सक्षम बनाता है। अर्थात इसको अगर आसान लैंग्वेज में, आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि तुलनात्मक अध्ययन इसका, कि पूर्व, उसका भूत, उसका भविष्य, उसका वर्तमान, तीनों का एक कंपैरेटिव स्टडी हम करते हैं। अगली आती है लागत की अवधारणा। यह मौद्रिक इकाई की अवधारणा है और किसी संगठन का रुपये, पाउंड, डॉलर आदि में व्यक्त लेन देन है। लागत की अवधारणा अर्थात हमको हमारी क्या लागत आई, हमें क्या प्रॉफिट हुआ, हमें क्या नुकसान हुआ, इस प्रकार से इन सभी का इसमें सहयोग है। वास्तविकता की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार जब माल और सेवाओं की को मुहैया या फिर उपलब्ध कराया जाता है तो जब आप नकद भुगतान करते हैं या नकद प्राप्त करते हैं तो उस समय आपकी इकोनॉमिक क्या कंडीशन है, इसको आपको इसका एहसास हो जाता है। अगली अवधारणा है संवर्धन अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार जब लेन देन के कारण पूंजी में शुद्ध वृद्धि होती है, अर्थात आपका आपकी इकोनॉमी जो है आपकी बढ़ती है, तब राजस्व प्राप्त होता है और जो कि वस्तुओं और सेवाओं के व्यापारिक आदान प्रदान को शामिल करता है। आइए बात करते हैं संसाधन प्रबंधन की। प्रबंधन लेखांकन के कई पहलू हैं, जैसे लागत लेखांकन। इसमें लागत वक्तव्य का निर्माण और उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों की पहचान और लागत अनुमान शामिल होता है। अर्थात इसमें आपकी क्या लागत आई, जैसे अगर एग्जाम्पल हम खाद्य इकाई का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें यह समझेंगे कि हमने अगर कोई रॉ मटेरियल लिया या कोई मशीनरी क्रय की या फिर कोई और सामान, कोई भी अन्य कोई वस्तु हमने उसके लिए परचेस की है तो उसमें क्या लागत आएगी, उनकी पहचान करना, उसका एक अनुमान लगाया जाता है। मानक लागत, यह समय एवं गति अध्ययन और अनुसंधान एवं विकास की मदद से प्रयुक्त हर प्रकार के संसाधनों के लिए मानक लागत की स्थापना करने का एक साधन है। उसके बाद आता है सामग्री नियंत्रण। इसमें सामग्री, जो भी आप रॉ मटेरियल है, जो भी सामग्री लेते हैं उसको किस प्रकार से भंडार करना है, उसका किस प्रकार से प्रयोग करना है और उसमें कैसे नियंत्रण रखना है, यह सब उसमें
आता है, फिर आता है बजट नियंत्रण। बजट नियंत्रण इसमें तय और लचीला बजट, पूंजी और परिचालन बजट को तैयार किया जाता है। और बजट, जैसे कि आपको सबको पता है, पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि बजट किसी भी संस्था को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है, और उसका नियंत्रित होना और उसका सही प्रकार से परिचालन किया जाना भी अति आवश्यक है। व्याख्यात्मक व्याख्या, यह मासिक या त्रैमासिक लाभ और हानि की तैयारी होती है। मतलब है कि इसमें मासिक या तो मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर 3 मंथ्स में इसका एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है, जिससे आपको क्या लाभ हुआ क्या हानि हुई इसका जानकारी आपको मिल जाती है। लेखांकन प्रणाली, खाद्य सेवा संगठन के लिए खातों को बनाए रखने की सबसे उपयुक्त प्रणाली की स्थापना करना प्रबंधन लेखांकन समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें खाते की पुस्तकों का निर्धारण किया जाता है, तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा जो भी उपकरण वहां पे यूज किए गए हैं उनके उपयोग के बारे में निर्णय, तथ्यों की मात्रा, उनकी गति, ये सब इसमें शामिल होती है लेखांकन प्रणाली। इसके बाद भोजन सेवा प्रतिष्ठान में बड़े एवं छोटे दोनों प्रकार के लेन देन होते हैं, जिनका एक व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना आवश्यक होता है। यदि किसी भी घटना में हम ये भोजन सेवा, क्योंकि हम ये भोजन सेवा के बारे में ही पढ़ रहे हैं, खाद्य सेवा इकाइयों के बारे में पढ़ रहे हैं, और खाद्य सेवा प्रबंधन कोर्स है आपका, तो हम यहाँ पे बात करेंगे केवल भोजन सेवा प्रतिष्ठान या खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों की। अतः यदि किसी भी घटना में स्थापना किसी या ऑर्गेनाइजेशन या संस्था आपके किसी बाहरी व्यक्ति के साथ शामिल होती है, तो वहां पर घटना एक व्यापार लेन देन होता है वहां पे। और व्यवसाय में लेन देन की सबसे बड़ी संख्या बाहरी लोगों की होती है, बाहर वाले लोगों से लेन देन होता है, बाहरी कस्टमर्स जिनको आप कह सकते हैं वो लोग आते हैं। तो इस प्रकार से जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है वो ओनर का कस्टमर से होता है। लेन देन को इस प्रकार से मैनेज किया जाता है कि व्यापार की स्थिति स्पष्ट और बिल्कुल सटीक आए, और सभी लेन देन मौद्रिक शब्दों में दर्ज किए जाने आवश्यक हैं, अर्थात कि धन मीन्स कि पैसे, कितना पैसा लगा, कितना पैसा आया, रुपये में आपको उसका उसका आपको स्पष्टीकरण कह दीजिए, या फिर उसका एक डॉक्यूमेंटेड होना अत्यंत आवश्यक है। जब वेतन का भुगतान किया जाता है तो कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होता है और नियोक्ता लाभ दे रहा होता है, अर्थात जैसे जो भी आपके इम्प्लॉई हैं और आप इम्प्लॉयर हो तो आप सैलरी दे रहे हो या जो भी उसे पैसा दे रहे हो तो आप लाभ दे रहे हो, और जो जो कर्मचारी वो लाभ ले रहा होता है। अतः किसी भी व्यवसाय के दो पहलू होते हैं, लाभ लेना और लाभ प्राप्त, लाभ देना और लाभ प्राप्त करना। बात करते हैं पुस्तक रखने की प्रणालियों में, क्योंकि किसी भी अगर वित्तीय प्रबंधन की बात करते हैं या अकाउंट्स की बात करते हैं, किसी लेखांकन की बात करते हैं, तो कौन कौन सी किस किस प्रकार से वहां पे डेटा मैनेज किया जाता है, किस प्रकार से स्टोर किया जाते हैं डेटा, इसकी बात करते हैं। तो इसमें दो प्रणालियां होती हैं, एकल प्रविष्टि प्रणाली और दोहरी प्रविष्टि प्रणाली। एकल प्रविष्टि प्रणाली कुछ ज्यादा सख्त नहीं होती, इसमें काफी कुछ लचीलापन है, इसमें लेन देन के रिकॉर्ड नहीं होते हैं और एक आंशिक रिकॉर्ड होता है, इसलिए ज्यादा विश्वसनीय भी नहीं है। दोहरी प्रविष्टि प्रणाली बहुत अच्छी तरह से अवधारणाओं पर आधारित है, सभी लेन देन, लाभ और जितना भी कुछ आपका लाभ और जो आपका लेन देन है, सब कुछ इसमें शामिल किया जाता है, और अधिकतर प्रतिष्ठानों में इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे बहुत सटीक और पूर्ण रिकॉर्ड प्राप्त होते हैं। व्यापार लेन देन, जैसे अभी बात कर रही हमने लेन देन की, तो लेन देन दो पहलुओं में से किसी एक या दो मुख्य तत्वों से संबंधित हो सकता है, जैसे व्यक्ति या फर्म, गुण, व्यय या आय। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि कंपनी या व्यक्ति या तो प्राप्तिकर्ता होगा या दाता होगा, गुण या तो आ सकते हैं या बाहर जा सकते हैं, एक लेन देन या तो एक व्यय हो सकता है या आय हो सकता है, जैसा कि स्पष्ट है, इसमें कुछ समझाने वाला ज्यादा है नहीं। हिसाब किताब क्या होता है इसके बारे में जरा सा पढ़ लेते हैं। जब एक व्यक्ति से संबंधित सभी लेन देन एक पृष्ठ में दर्ज किए जाते हैं तो इसे निजी खाते के रूप में जाना जाता है, और इसमें ऋण और क्रेडिट रूप में लेन देन होता है, अर्थात निजी खाता या व्यक्तिगत खाता इसे कहते हैं। इसके बाद आते हैं वास्तविक खाता क्या होता है। वास्तविक खाता में सभी लेन देन एक पृष्ठ में दर्ज किए जाते हैं, इसे वास्तविक खाता कहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें जब एक संपत्ति से संबंधित सभी लेन देन एक ही पृष्ठ में दर्ज किए जाते हैं तो इसे वास्तविक खाता कहते हैं।
और इसमें जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो वो नकद किताब या नकद खाता जो था। इसी तरह जब आय और व्यय अलग अलग पृष्ठों पर स्वतंत्र रूप से दर्ज किए जाते हैं उन्हें नाम मात्र खातों के रूप में जाना जाता है। और इनके बारे में अगर हम पढ़ें तो व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता। व्यक्तिगत खाता एक डेबिट प्राप्ति करता है और क्रेडिट जो आता है, और वास्तविक खाता जो आता है वो डेबिट है। नाममात्र खाता में सभी खर्चों और नुकसानों का डेबिट किया जाता है। व्यक्तिगत खाता में क्रेडिट दाता है और वास्तविक खाता में जो बाहर निकलता है वह क्रेडिट है। नाममात्र में सभी आय और लाभ को क्रेडिट किया जाता है। दोहरी लेखा प्रणाली के फायदे क्या हैं? जैसे मैंने आपको बताया सभी प्रतिष्ठानों में इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तो इसके क्या फायदे हैं पहले ये पढ़ते हैं। इसके द्वारा प्रतिष्ठान कभी भी जान सकता है कि उसने कितना लाभ अर्जित किया है, अर्थात आपने खर्चा तो किया लेकिन आपको उससे कितना लाभ हुआ, या लाभ हुआ भी है या नहीं, इसका सटीक आपको आंसर इससे मिलता है। और लाभ या हानि के कारण क्या रहे उनका भी आपको इससे पता चलता है। और जब आपका एट द एंड ऑफ ईयर, जो आपका फाइनेंशियल ईयर पूरा होता है, उसमें एक बैलेंस शीट तैयार करना बहुत आसान होता है क्योंकि आपका सारा डेटा ऑलरेडी बना हुआ होता है। और इस प्रणाली के माध्यम से एक तो आपकी, मैंने जैसे बताया कि सटीक क्या अगर हानियां हुई हैं तो उसके क्या कारण है इसका पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा कोई धोखाधड़ी से भी इसमें बचा जा सकता है। और प्रबंधन को ठीक से खातों के माध्यम से निर्णय लेने में अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट, सारा आपके पास डेटा है तो आपको आगे निर्णय लेने में भी काफी, उसको एक मार्गदर्शक की तरह आपके लिए कार्य किया करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दोहरी लेखा प्रणाली बहुत फायदेमंद है। शायद इसीलिए इसी सभी प्रतिष्ठानों में इसी का प्रयोग किया जाता है। आगे है खाते की पुस्तक। खाद्य सेवा प्रतिष्ठान का लेन देन मुख्य तीन श्रेणियों में आता है, रसीद और नकदी का भुगतान, माल सामग्री और भंडार की खरीद, माल और सेवाओं की बिक्री। नकद और बैंक लेन देन जिसमें नकद बिक्री, नकद खरीद सब आता है, रिकॉर्ड रखने के लिए एक पुस्तक होती है। माल की क्रेडिट खरीद दर्ज करने के लिए दूसरी पुस्तक और माल की क्रेडिट बिक्री रिकॉर्ड करने के लिए तीसरी पुस्तक। नकद रसीदों और भुगतानों की रिकॉर्डिंग के लिए नकद पुस्तकें होती हैं। नकद खरीद के लिए खर्च किए गए व्ययों, नकद बिक्री, छूट और प्राप्त छूट दर्ज किए जाते हैं। कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट कॉलम दोनों होते हैं। क्रेडिट पर खरीदे गए सभी सामानों की रिकॉर्डिंग के लिए बुक होती है। क्रेडिट पर बेचने वाले सभी सामानों की रिकॉर्डिंग के लिए बिक्री पुस्तक होती है। सभी खरीदारों को आपूर्ति में लौटने की रिकॉर्डिंग के लिए वापसी की पुस्तक होती है। ग्राहकों द्वारा प्राप्त सभी बिक्री रिकॉर्ड करने के लिए बिक्री वापस की पुस्तकें। आमतौर पर खान पान प्रतिष्ठान में खाते की इस पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि भोजन चला गया होता है, भोजन के वापस आने के ये उनके लिए है जिसमें रिटर्न की ऑप्शन हो, लेकिन क्योंकि ये खाद्य इकाई के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें वापसी की कोई संभावना नहीं होती है। आइए बात करते हैं कैश बुक की। खाते की सभी पुस्तकों में से कैश बुक पुस्तक रखने की दोहरी लेखा प्रणाली का ही एक हिस्सा है। यह पुस्तक लेन देन की रसीद और नकदी के भुगतान से संबंधित दैनिक रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए प्रयोग की जाती है। क्योंकि नकदी से संबंधित लेन देन की संख्या आमतौर पर बड़ी होती है और इसमें काफी जोखिम होता है, अर्थात काफी रिस्क होता है, इसलिए कैश रिकॉर्ड को ठीक ठाक अच्छे तरीके से देखरेख में रखना अत्यंत आवश्यक है। यह जो आपकी कैश बुक है तीन प्रकार की होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आइए अब थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में इनमें क्या क्या होता है, क्यों इन्हें डबल, सिंगल, डबल और ट्रिपल कॉलम क्या क्या है इसमें। पहले सबसे पहले बात करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक की। सिंगल कॉलम कैश बुक में हर तरफ एक राशि का कॉलम होता है। सभी नकद रसीद, रसीद पक्ष और सभी नकद भुगतान, भुगतान पक्ष पर दर्ज किए जाते हैं। वास्तव में यह पुस्तक कैश अकाउंट के अलावा और कुछ नहीं होती है, अर्थात केवल एक कैश अकाउंट है आपका। कैश रसीद और नकद भुगतान के रिकॉर्डिंग के लिए सरल कैश बुक में प्रत्येक पक्ष पर केवल एक राशि का कॉलम होता है, या डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, उसके साथ उसकी रसीद अटैच हो जाएगी। बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक की। इसे बट्टा खाता कैश बुक के रूप में भी जाना जाता है। इस नकद पुस्तक में दो राशि स्तंभ होते हैं, एक नकदी के लिए, दूसरा छूट के लिए। सभी नकद प्राप्ति और छूट की रसीद पक्ष में दर्ज की जाती है और सभी नकद भुगतान और प्राप्त किए गए भुगतान भुगतान पक्ष पर दर्ज किए जाते हैं। इसमें ग्राहकों से नकद रसीदों के साथ नकद छूट और आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान भी शामिल होते हैं।
ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, आज लगभग सभी प्रतिष्ठानों में लेन देन नकदी के बजाय बैंकों के माध्यम से किए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, ऑनलाइन बैंकिंग है या आपका पेटीएम है, मतलब डायरेक्ट आप अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं नकद देने के बजाय। और संगठन विभिन्न कारणों से परिसरों के बजाय बैंक में नकदी रखना भी पसंद करते हैं। अतः नकद इसमें नकद पुस्तक के अन्य दो कॉलम के साथ ऋण और क्रेडिट पक्षों में बैंक से लेन देन के लिए भी एक कॉलम बना दिया जाता है। ये कॉलम बैंक में किए गए सभी भुगतान और इससे प्राप्त सभी राशियां इसमें रिकॉर्ड करता है, इसलिए इसे ट्रिपल कॉलम कैश बुक के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसमें एक जो तीसरा कॉलम है वो बैंकों से क्या लेन देन हुआ या बैंक से रसीद जो आपको मिलती है उसके लिए रखा जाता है। खरीद पुस्तक क्या होती है? खरीद पुस्तक में आपूर्तिकर्ताओं के क्रेडिट से खरीदे गए सामान, जो हमने खरीदा है सामान, उसका रिकॉर्ड होता है, जैसा कि नाम से ही पता है। या केवल एक ज्ञापन पुस्तक होती है, इसमें डेबिट या क्रेडिट के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। और बिक्री पुस्तक दूसरी है, बिक्री पुस्तक यह किसी किसी भी ड्यूरेशन में आपने क्या सामान बेचा उसके लिए एक पुस्तक बनाई गई होती है। इसमें भी डेबिट क्रेडिट कोई कॉलम नहीं होता है। खरीद वापसी किताब, यह एक बार आपने कोई चीज बेच दी उसके बाद वो वापस आ जाती है, उसके लिए एक बुक रखी जाती है। लेकिन क्योंकि हम फिर वही खाद्य प्रतिष्ठानों की बात कर रहे हैं तो उसमें यह कोई संभावना नहीं है, क्योंकि खाने का सामान अगर एक बार बिक गया तो वह वापस कंप्लेन में ही आता है, अदरवाइज वो नहीं आता है। खरीद वापसी किताब, नहीं सॉरी, खरीद वापसी किताब आपने जो सामान खरीदा है अगर आप वो रिटर्न करना चाहते हैं, जैसे रॉ मटेरियल इसमें हो सकता है अगर हम खाद्य प्रतिष्ठानों की बात करें तो। इसके बाद बिक्री वापसी की किताब, बिक्री वापसी में जो आपने ग्राहक को सामान दे दिया उसके बाद अगर वो वापस करता है तो इसे बिक्री वापस की किताब में आप रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इसमें वो लगता है कि आप क्योंकि खाद्य प्रतिष्ठानों की बात कर रहे हैं, खाद्य इकाइयों की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये ऑप्शन आपके पास नहीं होता है ग्राहकों के पास कि वो उसे वापस करें, क्योंकि फूड आइटम्स वापस नहीं होते हैं। अगला जो टॉपिक इसमें पढ़ना है वो है बजट, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी भी इकाई को चलाने के लिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए बजट पे ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बजट मौद्रिक या अन्य शर्तों में व्यक्त की गई, मौद्रिक मतलब मुद्रा या पैसे के रूप में व्यक्त की गई वह योजना है जो एक पूर्व निर्धारित अवधि के दौरान उद्यम के संचालन को नियंत्रित करती है। बिल्कुल सही बात है, किसी भी बिजनेस, किसी भी सोसाइटी, किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी उसको चलाने के लिए बजट अत्यंत आवश्यक है, जो कि इन सबको नियंत्रित भी करता है। बजट का वर्गीकरण देखते हैं। बजट पूंजीगत आय व्यय का लेखा, परिचालन बजट, मास्टर बजट, विभाग बजट, निश्चित बजट, लचीला बजट, ये दृष्टिकोण किन किन के आधार पर, जैसे विषय वस्तु के आधार पर पूंजीगत आय व्यय का लेखा और परिचालन बजट, व्यापकता के आधार पर मास्टर बजट, विभाग बजट, बिक्री के स्तर के आधार पर निश्चित बजट और लचीला बजट। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लेते हैं। पूंजीगत आय व्यय का लेखा, यह पूंजीगत धन और संगठन की परिसंपत्तियों, उपकरण, संयंत्र, नकद, शेयरों के प्रस्तावित अंक जैसे संपत्तियों से निपटने वाले बजट और संगठन के लिए धन जुटाने के लिए अन्य उपकरण आदि इसके अंतर्गत आते हैं। संचालन बजट, यह आमतौर पर व्यापार पूर्व बिक्री के प्रत्यक्ष संचालन, कर्मचारी लागत और रखरखाव से संबंधित होता है। मास्टर बजट, यह संगठन के लिए पूर्वानुमानित समग्र लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं या उसके लिए बनाए जाते हैं, और इसमें सभी आय और व्यय शामिल होते हैं जो किसी संगठन में संभावित या अनुमानित होते हैं। फिर होता है विभाग बजट। विभाग के बजट में संस्था के प्रत्येक विभाग का अपना एक बजट होता है और वो बजट तैयार करके अपने हेड को देते हैं, जिसके आधार पर एक संपूर्ण बजट बनाया जाता है। निश्चित बजट, ये बजट समय की अवधि में अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात ये निश्चित है कि हमेशा इस, जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, कोई बिल आना है या फिर किसी चीज के विज्ञापन का है, कोई किराया देना है, किराया जैसे हमने माना कोई रेंटेड बिल्डिंग में हम रह रहे हैं उसका किराया फिक्स है, अगर हम आज 10,000 दे रहे हैं तो आपकी जो भी शर्तों पे रेंट एग्रीमेंट में होगा कि अगर पूरे एक साल 10,000 जाना है तो फिक्स है कि आपको हर महीने 10,000 रुपए रेंट के रखने। तो इस प्रकार से निश्चित बजट ये जाना, ये तो आपके बजट में शामिल होगा ही होगा। लचीले बजट, ये लचीले बजट में, लचीला बजट जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ये लचीले होते हैं, अर्थात कि कभी कम भी हो सकते हैं उसमें पैसा खर्च और उसके लिए कभी पैसा ज्यादा भी लग सकता है। तो ये काफी सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है। और इसके एग्जांपल जैसे स्कूल कैंटीन है, कॉलेज का बजट, मौसमी होटल्स हैं, तो इस प्रकार से सभी ये लचीले बजट में आते हैं। बजट का निर्माण, इसके अंतर्गत संस्था के लक्ष्यों, नीतियों, लाभ, परिचालन
अनुपात और लागत के संदर्भ में लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग बजट तैयार किए जाते हैं और इसके बाद बजट प्रस्ताव की समय समय पर समिति द्वारा जांच की जाती है, जो पिछले आय व्यय और उतार चढ़ाव की संगठन की वर्तमान स्थिति के साथ अच्छी तरह से विश्लेषण करती है। अब अभी तक तो हमने बात करी बजट की, अब बात करते हैं कि वित्त जो पैसा है वो आता किस किस प्रकार से हमको मिल सकता है, कोई अगर हम इकाई कोई संस्था चलाते हैं। तो सबसे पहले है आस्थगित साधारण शेयर्स। यह शेयर साधारण शेयर का ही एक रूप होता है जो एक निश्चित तारीख के बाद ही लाभांश के हकदार होता है, जब लाभ एक निश्चित राशि से ऊपर उठता है, अर्थात जब आपका एक निश्चित अवधि के उपरांत लाभ बढ़ जाएगा और एक फिक्स तय सीमा पे ऊपर चला जाएगा तो आपको उसका लाभ मिल जाता है। तो इस प्रकार से भी हम इनकम हो सकती है। प्रक्रिया के कर्ता धर्ता शेयर, इस शेयर में किसी भी लाभांश से पहले वरीयता शेयरों को एक निश्चित प्रतिशत लाभांश होता है जो सामान्य शेयर धारकों को भुगतान किया जाता है। ऋण स्टॉक, ऋण स्टॉक दीर्घकालिक ऋण पूंजी है जो किसी कंपनी द्वारा उठाया जाता है, जिसके लिए आमतौर पर आधे सालाना और एक निश्चित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। प्रतिधारित कमाई, किसी भी कंपनी के लिए व्यापार के भीतर बनाए गए आय की मात्रा का लाभांश राशि पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इसमें लाभांश के रूप रखी गई कमाई के रूप में लाभ और मुनाफा होता है। लाभांश के रूप में इसका एक भुगतान किया जा सकता है। बैंक ऋण, ये तो आपको पता है, बैंक लोन, बैंक से आप लोग बैंक से व्यक्ति पैसा ले सकता है जिसमें निश्चित ब्याज दर होती है। पट्टा, एक पट्टा दो पक्षों, पट्टा दाता और पट्टेदार के बीच में एक समझौता होता है। इसमें जो पट्टेदार होता है वो एक निश्चित अमाउंट पट्टा दाता को देता है और ये पट्टा दाता की इनकम हो जाती है, मतलब जो उसे पैसा मिल जाता है और इस पे जो पट्टेदार है वो अपना कार्य करता है और एक निश्चित उसका पोर्शन जो है वो पट्टा दाता को देता है। सरकारी अनुदान, संघीय और राज्य सरकारें अक्सर शुरुआती या विस्तार करने वाले, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करता हम देखा है गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं जिसमें आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफी वहां से अनुदान दिया जाता है सरकार द्वारा। बॉन्ड, बॉन्ड का इस्तेमाल विशिष्ट गतिविधियों के लिए, ये स्पेशल कंडीशन में स्पेशल कुछ सामानों में वित्त या फिर पैसे के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये भी देखा कि हम किस किन किन सोर्सेस से अपना जो वित्त के हमारे स्रोत हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से हमें पैसा मिल सकता है या कहाँ कहाँ से हम पैसा कमा के अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने वित्तीय प्रबंधन के बारे में पढ़ा। अब अगली इकाई 5 को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।